गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें लास्ट और प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था सर्जिकल ड्रेसिंग, उसमें मैंने स्टार्ट किया था इवैल्यूएशन ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है। उसमें आपको मैं टेस्ट फॉर एसिडिटी, अल्कलिनिटी, टेस्ट फॉर नैप्स, टेस्ट फॉर सरफेस एक्टिव एजेंट, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सिंकिंग टाइम और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और उसके बाद में छोटे जो दो तीन टेस्ट है वो मैं आज पढ़ाकर टॉपिक खत्म करने वाली हूँ। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी। प्रैक्टिकल के हिसाब से जैसे हमारा प्रैक्टिकल हमारा सिंकिंग टाइम और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करके मेजर प्रैक्टिकल बनता है, और प्रैक्टिकल जो है इसमें ये पूछा ही जाता है, ये कंपल्सरी प्रैक्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आईपी ने बताया हुआ है। आईपी के अकॉर्डिंग के अनुसार, इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम ये परफॉर्मेंस आज देखने वाले हैं, जो थ्योरी में भी लिखने के लिए आती है, ठीक है। तीन नंबर का क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल में भी आता है, तो उसकी जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी में पढ़ा देती हूँ किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म की जाती है, उसके बाद में आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाली हूँ मैं ये दोनों टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में, सिंकिंग टाइम के साथ में। सिंकिंग टाइप, सिंकिंग टाइप का मतलब होता है कि डूब जाना या सिंक हो जाना, ठीक है। ये हिंदी में अगर उसका मीनिंग वर्ड टू वर्ड निकाला जाए तो ये निकलता है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, वे दी बास्केट प्लस टेक 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन, जो भी कॉटन का आपको वैल्यू आईपी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पता करना है, उसके 3 सैंपल ले लेना है, और कॉटन जो है वो कितना लेना है 1 ग्राम, और एक बास्केट रहेगी तार की, बास्केट को आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगी तब आपको ध्यान में आ जाएगा, वो लेना है, दोनों का वेट कर लेना है, बास्केट प्लस कॉटन, ठीक है। होल्ड द बास्केट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड ड्रॉ और रिलीज इट फ्रॉम द हाइट ऑफ अबाउट 10। हमारे पास एक बीकर रहने वाला है, वो बीकर का डायमीटर भी बताया गया 12 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा, और 12 सेंटीमीटर डायमीटर रहने के बाद वो पूरा वाटर से फिल होगा, और हमको हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेंटेन करनी है, वाटर के लेवल से 12 एमएम के दूरी पर हमको वो बास्केट पकड़ना है, प्लस उसमें कॉटन भी रहने वाला है, और उसको हम जब ड्रॉप कर देंगे या छोड़ देंगे पानी में तो बॉटम तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगता है, दैट इज नोन एज सिंकिंग टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग टाइम। वो बॉटम में पहुंचने के लिए कितना समय लगाती है वो कॉटन और वो बास्केट, उसको कहते हैं सिंकिंग टाइम। आईपी ने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताई है कि स्टैंडर्ड तरीके से एब्जॉर्बेंट कॉटन को सिंकिंग टाइम करने के लिए कैलकुलेट या सिंक होने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी बास्केट या आपका कॉटन बास्केट के साथ में 3 सेकंड या 2 सेकंड में ही सिंक हो जा रहा है, इसका मतलब वो आईपी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं, ये हुआ सिंकिंग टाइम। देखो लिखा है बीकर एटलीस्ट 12 सेंटीमीटर डायमीटर का होना चाहिए, फिल्ड विद वाटर होना चाहिए। मेजर द टाइम विद स्टॉपवॉच फॉर सिंकिंग द बास्केट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। टाइम टेकन जो होगा शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आईपी ने बताया है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया सिंकिंग टाइम। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, इसी एक्सपेरिमेंट को जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ सिंकिंग टाइम, सिंकिंग टाइम का कैलकुलेशन कर लिया आपने, उसके बाद क्या करना है, वो बास्केट जो बॉटम में चली गई थी पानी में उसको बाहर निकालना है, उसको हैंग करके रखना है, और उसको 30 सेकंड तक के उसी पोजीशन में रह लेना है, पूरा पानी ड्रेन होने देना है, और उसके बाद उसको वापस से वेट करना है। ये जो वेट निकलने वाला है अपना, इस वेट को हम कहते हैं W2 या फाइनल वेट। पहले हम लोगों ने सिंकिंग टाइम में निकाला था W1, ठीक है, अब वो इनिशियल वेट था, यहाँ पर मिलेगा हमको फाइनल वेट। 30 सेकंड हो जाने के बाद हम उसको बास्केट और कॉटन को हम वे करेंगे, W2 माइनस W1 निकालेंगे, एंड वी निकलेंगे W1, मतलब कि क्या, देखो कैलकुलेट W2 माइनस W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर होल्ड बाय एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट कॉटन में कितना वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है ये हमारा W बताएगा, ठीक है। आईपी ने भी इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताई है, 30 सेकंड वाटर ड्रेन होने के बाद में जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है उसका वेट कितना आना चाहिए, आईपी के अनुसार 23 ग्राम ऑफ पर ग्राम ऑफ कॉटन, ये उन्होंने स्टैंडर्ड वैल्यू बताई है। अगर इससे वैल्यू कम आ रही है या ज्यादा आ रही है तो आपका एब्जॉर्बेंट कॉटन आईपी के स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं फॉलो करता है, ये इसको समझ में आता है, कैन बी रिजेक्टेड, ठीक
तो ये देखिए हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ टेस्ट, वो है वाटर सोल्युबल सब्सटेंस। कई बार प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ सोल्युबल सब्सटेंस हमारे एब्जॉर्बेंट कॉटन में आ जाते हैं, जो कि हार्मफुल है इंजरी के लिए या बोन में ड्रेसिंग के लिए यूज करने के टाइम पे। एट दैट टाइम आपको क्या करना है उसकी भी उन्होंने टेस्ट बताई है। वो टेस्ट कैसे करते हैं, 5 ग्राम कॉटन लेना है, 500 ml पानी लेना है, 30 मिनट तक बॉइल करना है। बॉइल करने के बाद में जो लिक्विड है उसको डिकैंट कर लेना है, स्क्वीज कर लेना है, रेसिडुअल लिक्विड बचेगा, जो बचा हुआ लिक्विड है पूरा प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद में 400 ml जो वाटर है वो पूरा आपको इवेपोरेट कर देना है। और इवेपोरेट करने के बाद उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो रेसिड्यू है कितने में ड्राई करना है, 105 डिग्री। ड्राई करने का अगर आपको पैटी डिश में कुछ रेसिड्यू नजर आता है तो इसका मतलब है वाटर सोल्युबल सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है, जो कि हमारे हमारे एब्जॉर्बेंट कॉटन के लिए और हमारे इंजरी और बोन्स के लिए हार्मफुल है। ये हमको इस टेस्ट से पता चलता है। सिमिलरली वहां पर 7, 8, 9, 7, 8, 9 नंबर पे मैंने शॉर्ट में टेस्ट दिए हैं। इसको हमको प्रोसेसर निकालने के लिए नहीं आता है, सिर्फ हमको उसकी वैल्यू पता रहनी चाहिए। इथर सोल्युबल सब्सटेंस नॉट मोर देन 0.5% बोला है। लॉस ऑन ड्राइंग नॉट मोर देन 8% वेट बाय वेट, ठीक है। और रेसिड्यू ऑन इग्निशन और ऐश वैल्यू, ऐश वैल्यू मतलब पूरा उसको जलाकर राख जैसा जो बन जाता है, तो नॉट मोर देन 0.2% वेट बाय वेट होना चाहिए। ये सभी चीजें आईपी के अकॉर्डिंग बताई गई है। और ये टेस्ट जो है इवैल्यूएशन के टाइम पे आपको लिखने के लिए आती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन एमएसबीटी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन बताने वाली हूँ। सिंकिंग टाइम और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। हमारे ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या क्या रखने वाला है, सबसे पहले वो देख लेंगे। मैंने आपको बताया है कि हमको एब्जॉर्बेंट कॉटन लगने वाला है। इसके हमने 3 सैंपल यहाँ पर लिए हुए, आप 3 बार ये टेस्ट रिपीट करेंगे और एवरेज वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बास्केट्स है, ठीक है, जो तार की बनी हुई है, इसका क्या रोल है वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद मैंने जैसे बताया था एक बड़ा बीकर लगने वाला है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर के आसपास ही रखना है, जो फिल्ड विद वाटर रहेगा पूरी तरीके से, मतलब पानी से भर के रखा हमने। एक खाली बीकर लिया है, एक फनल लिया है, स्टॉपवॉच, सिंकिंग टाइम हम पता करें तो स्टॉपवॉच लगने ही वाला है, और सिंगल पैन बैलेंस लगने वाला है। इतनी चीजें साथ में ग्लास रॉड भी रखने वाली है। इतनी चीजें हमारे रिक्वायरमेंट का पार्ट है एक्सपेरिमेंट में, हमको ये सारी चीजें लगने वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ में। ये वो बास्केट है तार की, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा जो कॉटन है इसको हमने इनिशियल वेट हमने बास्केट का ले लेना है। बाद में क्या करेंगे, 1 ग्राम हमने लिया हुआ है, अब इन दोनों का साथ में कंबाइन वेट निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगी, W1, मैंने आपको बताया था थ्योरी में। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने इस तरीके से वे कर लिया, इसका जितना भी वेट है उसको W1 करके हम नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी यहाँ पे थ्रेड लगा हुआ है, जैसे ही मैंने बोला आपको कि ये कितना रखना है वाटर लेवल से, 10 ml की दूरी पर हमको रखना है। और जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करती हूँ तो मैं यहाँ से स्टॉपवॉच जो है वो यहाँ पर शुरू कर लूंगी और इसको मैं गिनना शुरू कर दूंगी। जैसे ही अभी देखो, अभी ये सिंक होने वाली है, कितना समय लगता है वो मैं नोट कर लूंगी। देखो कितना समय लगा, जो भी समय लगाऊंगा उसके बाद मैं इसको यहाँ से निकालूंगी। ये हो गया 10 सेकंड फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया है। अभी ये 10 सेकंड के बाद में जैसे मैंने इसको निकाला, अभी मैं फिलहाल रहने दे रही हूँ, ये हुआ मेरा सिंकिंग टाइम, ठीक है। 10 सेकंड, 8 सेकंड, 11 सेकंड चलता है, थोड़ा प्लस माइनस चलता है, ये हुआ सिंकिंग टाइम। नाउ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे सिंकिंग टाइम के कैलकुलेशन हो गए हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या करना है, बाजू में दूसरा बीकर रखा हुआ है, ये बास्केट पानी में भरी हुई थी, इसको उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। 30 सेकंड का इंतजार करना है मुझे, जितना भी पानी है वो पूरा निकल जाएगा इसमें से। निकलने के बाद में मैं इसको 30 सेकंड का इंतजार कर रही हूँ, जैसे मेरी स्टॉपवॉच चल रही है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से 30 सेकंड काउंट करना है मुझे। आपके साथ बात भी कर रही हूँ और 30 सेकंड फॉर एग्जाम्पल मेरे हो गए हैं। कब मैंने यहाँ से ये बास्केट उठाई और वापस से मैंने क्या किया, इसका वेट करना है मुझे। मैंने इसको ये यहाँ पर सिंगल पैन बैलेंस पर रख दिया, वेट एडजस्ट कर दिया, ये हो गया मेरा W2, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, W2 माइनस W1 कर लिया है, ये आ गया मेरा W। W का मतलब है वाटर होल्ड बाय दिस, इस कॉटन ने कितना वाटर होल्ड करके रखा है 30 सेकंड गुजर जाने के बाद, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, इसने कितना पानी होल्ड करके रखा है, दैट इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एब्जॉर्बेंट कॉटन। IP
व्यक्ति के अनुसार उन्होंने बताया है कि 23 ग्राम 23 ग्राम पर ग्राम ऑफ कॉटन होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आपका वैल्यू इससे डेविएट होता है, कम आता है या ज्यादा आता है, तो आप वहां पर कैलकुलेट कीजिए, और अगर आईपी के अकॉर्डिंग आता है तो आपका जो एब्जॉर्बेंट कॉटन का सैंपल है वो पास हो जाएगा, आपकी जो टेस्ट है वो परफेक्ट आ जाएगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल के अनुसार ये आज मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन और थ्योरेटिकल जो है वो मैंने सिंकिंग टाइम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ये सब जो टेस्ट है, इवैल्यूएशन ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन का जो हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आज फिनिश किया। थैंक यू।